नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंठर। झांसी के मऊरानी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 किलो अवैध गांजा सहित 6,24,000 रुपए बरामद किए। साथ में एक महिला और 3 पुरुषों को मौके से गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने मोहल्ला परवारी पूरा स्थित राजेंद्र नगाइज पुत्र ओम प्रकाश के घर पर मुखबिर की सूचना पर छापामारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 14 किलो लगभग गांजा और लगभग 6,25,000 रुपए बरामद कर 3 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने राजेंद्र नगाइज पुत्र ओम प्रकाश नगाइज 4 किलो 150 ग्राम गांजा और 6,24,250 रुपए नगद और 1 मोबाइल, उनकी पत्नी सुनीता नगाइज से 3 किलो 650 ग्राम गांजा और 1 मोबाइल, पुत्र पुनीत नगाइज से 4 किलो गांजा और 1 मोबाइल और ग्राम बेरहरा थाना जलालपुरा जिला हमीरपुर निवासी सुरेंद्र श्रीवास पुत्र रति राम श्रीवास को 2 किलो 450 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 8/20 NDPS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी श्री रोहन पीकने के कुशल नेतृत्व और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री नेपाल सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों को रोकथाम हेतु चेकिंग संदिग्ध वाहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर श्री अनुज कुमार सिंह एवं प्रभारी निरीक्षक मऊरानीपुर श्री शैलेंद्र कुमार सिंह की नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मोहल्ला परवारीपुरा कस्बा मऊरानीपुर के राजेंद्र नगाइज के घर से तीन अभियुक्तगण और एक अभियुक्ता के की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से 14 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है तथा 6,24,000 कैश जो कि गांजे से के द्वारा को बेच के जो रकम कमाई गई थी इतनी बरामद हुई है तथा थाना मऊरानीपुर में धारा 8/20 NDPS एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों का कोई पूर्व इतिहास है क्या? पूर्व इनका कोई इतिहास नहीं है, लेकिन ये लोग कुछ खबरें आ रही थी और हमें जो है अपने मुखबिरों के द्वारा सूचना मिल रही थी कि ये लोग इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हैं। और पकड़े गए जो लोग हैं इनके नाम है राजेंद्र नगाइज पुत्र ओम प्रकाश नगाइज निवासी मोहल्ला परवारीपुर थाना मऊरानीपुर। इनके बेटे दो हैं, एक पुनीत नगाइज पुत्र राजेंद्र नगाइज वही श्रीवास और पुत्र रति राम निवासी बरारा थाना जलालपुर जिला हमीरपुर। ये भी उसमें जो है संलिप्त पाया गया है।